नमस्ते ओम शांति। आपको स्वागत है आपके 297वें दिन के ईश्वरी वरदान में, जहाँ परम पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि या तो हम परम पिता परमात्मा के साथ में सच्ची लगन में रहें, सच्चा संबंध जोड़ें उनके साथ में, नहीं तो फिर हम दुनियावी लोगों के साथ में, दुनियावी चीज़ों के साथ में संबंध जोड़ें जो कि हमें कभी सुख या शांति दे नहीं सकती या खुशी भी दे नहीं सकती सदा काल के लिए। तो चॉइस हमारे हाथ में है। देखिए बाबा कहते क्या है आज। बाबा कहते हैं सच्ची लगन के आधार पर, लगन किसके साथ में, परमात्मा के साथ में, वो भी सच्ची लगन, झूठी नहीं, बाहर वाली दिखावे वाली नहीं, सच्ची लगन के आधार पर, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले, संपूर्ण वफादार भवा, परमात्मा से वफादार, विस्तार में चलेंगे। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई ना दे। क्या क्या चीज़ें? बाप के, या तो हमें और मनुष्य याद आएंगे, और चीज़ें याद आएंगी, वस्तुएं याद आएंगी, पदार्थ याद आएंगे, धन संपत्ति याद आएगी, या बाप याद आएगा। तो बाप याद आता है तो लोभ नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं है। और बाप का कर्तव्य क्या है? परमपिता परमात्मा अंत में अपनी ड्रामा का जब अंत चल रहा होता है तब नीचे धरती पर आते हैं, अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं, कहते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें पवित्र बनाने का ज्ञान देने आया हूँ, अपने आप को आत्मा समझो तो तुम पवित्र बन जाओगे और आत्मा ही मुक्ति में जाएगी। शरीर तो यहीं छूट जाएगा, दुनियावी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, तो आत्मा समझो। जितना आत्मा समझोगे उतना ही तुम अपने कर्म अच्छे करोगे और शरीर छोड़ पाओगे आसानी से, तो तुम्हारी बुद्धि भी कम भटकेगी। बाप का कर्तव्य वो है, तो हमें भी और आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान दे करके उनको भी स्वच्छ बनाने की सेवा करनी है, बाप का कर्तव्य है। बाप की महिमा क्या है? सच्ची महिमा क्या है? परमपिता परमात्मा को तो हम भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं लेकिन बिना जाने करते हैं, तो किसी की महिमा करना बिना जाने वो सच्ची महिमा नहीं होती है। तो सच्ची महिमा क्या है वो हम ब्रह्म कुमारी में सीखते हैं। और बाबा कहते हैं बाप का ज्ञान क्या है? परमात्मा ने ये दुनिया कब शुरू हुई, कब ये दुनिया में परिवर्तन आएगा, मतलब कि महाकाल बोले, महाविनाश बोले, एपोक्लिप्स बोले आप, या आप इसको अंतिम समय कहें, कयामत का समय कहे, जो भी कहे, वो कब आएगा वो परमात्मा खुलासा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं और बाप की महिमा, बाप का ज्ञान कुछ भी दिखाई ना दे, एक बाप दूसरा ना कोई, मतलब किसी और से कुछ इच्छा ना हो, कुछ लगाव ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, तब जाकर के हम कहेंगे एक बाप दूसरा ना कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे, परमात्मा के साथ में लगे रहे कि परमात्मा के कर्तव्य में रहे, परमात्मा की महिमा में रहे, तब जाके परमात्मा कहते हैं तब जाके तुम मेरे सच्चे वफादार बच्चे बनोगे और मैं तब तुमको जा करके परम धाम में और फिर सतयुग में, सदगति, स्वर्ग में भेज पाऊंगा। लेकिन अगर बुद्धि इधर उधर लोगों से लगी हुई है और उसे इच्छाएं हैं और उसे एक्सपेक्टेशंस हैं और उसे प्रेम खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, आनंद खोज रहे हैं चीज़ों से, वस्तुओं से और बाकी लोगों से, संबंधियों से, साथियों से, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे संकल्प इस दुनिया के रह जाएंगे, तब तुम आत्मा मुक्ति में जा नहीं पाओगी, तुम इस शरीर में फंसी रह जाओगी, फिर बहुत पीड़ा से शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब मुक्ति में जाएंगे ऊपर, जाना तो हर किसी को है लेकिन पीड़ा से जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बुद्धि भटकी हुई होगी लोगों में, वस्तुओं में, संबंधियों में, साथियों में, तो इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई। बाप कहते बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता, मतलब औरों के जो संग में रह करके उनके जो बिहेवियर्स हैं, संस्कार हैं, वो हमारे ऊपर नहीं आ सकते, उनकी छाप नहीं बैठ सकती। परमात्मा का संग है तो परमात्मा का ही हमारे ऊपर छाप लगेगी, जैसे मैंने कल सीखा था, जैसा संग वैसा रंग। बाबा कहते हैं लग नहीं सकता, इसलिए पहला वायदा है, क्या किया परमात्मा को पहला वायदा हमारा, और संग तोड़ एक संग जोड़। संग तोड़ना मतलब कि रिलेशनशिप नहीं तोड़ देना, पर आस्ते आस्ते उन संबंधों में से अपने आप को किनारा करना और परमात्मा के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। फिर बाबा कहते हैं इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। और किसके लिए वफादार बन रहे हैं? परमात्मा को कुछ उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फिर नहीं तो फिर क्या होगा, बाकी दुनिया याद आएगी, संबंधी याद आएंगे, साथी याद आएंगे और हमारे लगाव उनके साथ होंगे, तो परमात्मा के साथ लगन ना होने से शरीर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो परमात्मा हमें ये सीख सिखाते हैं ब्रह्म कुमारी में, और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो कि आप भी आकर के सीख सकते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, ओम शांति।